सो गाइस, Xiaomi के MIA 3 के अंदर अक्टूबर महीने का सिक्योरिटी पैच के बाद कई सारी बग्स देखने को मिली थी, और उससे पहले भी जब ये इस फोन के अंदर Android 10 का अपडेट मिला था तब दोस्तों काफी ज्यादा बग्स इस फोन के अंदर देखने को मिली थी। जो मेजर बग्स थी दोस्तों, कैमरा इशू या फिर नेटवर्क इशू, कई सारे इशूज इस फोन के अंदर आपको देखने को मिले थे। तो दोस्तों उन्हीं इशू का सोल्यूशन बताने वाला हूँ और कौन सी मेजर बग है जिनको अपन सोल्व कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डेफिनेटली बात करेंगे Xiaomi के इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, Xiaomi का ये स्मार्टफोन है MIA 3, इस स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों अपडेट आते रहते हैं मंथली आपको सिक्योरिटी पैच के, और दोस्तों उसके साथ कंपनी कई सारी जो बग्स होती हैं उसका सॉल्यूशन करके आपको अपडेट देते हैं। बट दोस्तों जब से इस फोन के अंदर Android 10 का अपडेट मिला है Xiaomi के MIA 3 के अंदर, तब से दोस्तों कई सारी बग्स इस फोन के अंदर देखने को मिल रही हैं और उन बग्स का सॉल्यूशन अभी तक यहां पर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी मेजर्स बग है जिनका कंपनी को सॉल्यूशन करना चाहिए, और दोस्तों कंपनी अगर सॉल्यूशन नहीं करती है तो अपने एंड से अपन कैसे इस फोन के अंदर उन्हीं बग्स का, जो बग्स मेजर बग्स हैं, सॉल्यूशन कैसे अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उन्हीं बग्स का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहली और सबसे बड़ा जो मेजर इशू देखने को मिला है वो मिला था दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम। काफी सारे मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं कि सर हमें इस फोन के अंदर नेटवर्क इशू काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में कैसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जाना है अपने मोबाइल सेटिंग के अंदर। मोबाइल सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको नेटवर्क और इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहां पर प्रेफरेंस में आपको 2G 3G 4G का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप एक बार 2G सेलेक्ट कर लीजिए। 2G सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फोन को पहले से, सबसे पहले फोन की सेटिंग को आप रीसेट कर लीजिए। रीसेट करने के बाद दोस्तों फोन को स्विच ऑफ कर लीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद एक बार आप अपने किसी भी 2G सिम को लीजिए और इस फोन के अंदर 2G सिम को डाल दीजिए। 2G सिम को डालने के बाद दोस्तों एक आप साथ के साथ एक आपकी रिलायंस जियो 4G या फिर एयरटेल 4G है वो भी आप डाल दीजिए सेकंड ऑप्शन के अंदर। उसके बाद दोस्तों आप उसको 4G के ऊपर चेंज कर दीजिए मोड को। जैसे आप 4G मोड को चेंज करेंगे तो दोस्तों आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आप ये सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं अपने MIA 3 के अंदर। और अगर बात करते हैं अपन दूसरी मेजर बग के बारे में तो दोस्तों वो है कैमरा प्रॉब्लम। दोस्तों कैमरे के अंदर आप जब भी फोटोज क्लिक करते हैं या फिर आप वीडियोस शूट करते हैं तो दोस्तों काफी ज्यादा लैग्स करता है कैमरा, जो कि स्टॉक कैमरा आपको MIA 3 में देखने को मिलता है वही कैमरा। तो दोस्तों ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसका कोई परमानेंटली सॉल्यूशन तो नहीं है, बट दोस्तों मैं एक चीज सजेशन करूंगा आपको, गूगल कैम 7.4 जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और कैसे आप विदाउट रूट आपसे गूगल कैम 7.4 इंस्टॉल कर सकते हैं वो वीडियो भी मैंने बना रखा है। आई बटन पे आप वीडियो देख सकते हैं और आप उस तरीके से आप अपना गूगल कैम 7.4 इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं, काफी गजब की फोटोज निकल के आती हैं, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बात करें तीसरी मेजर बग के बारे में दोस्तों, वो प्रॉब्लम देखने को मिली है बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम। यानी कि दोस्तों कई सारे यूजर्स के कमेंट्स आए कि हमारे फोन काफी ज्यादा हीट होता है, बैटरी काफी ड्रेन होती है। तो दोस्तों ऐसे में इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप फोन को चार्ज लगाकर यूज करते हैं या फिर आप फोन को रेगुलरली यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम एक बेसिकली प्रॉब्लम है जो कि देखने को मिलती है। अगर दोस्तों फोन को आप 100% चार्ज करने के बाद यूज करते हैं या फिर आप पूरा बैटरी लो होने के बाद इसको चार्ज करते हैं या फिर आप बीच में यूज करते रहते हैं और चार्ज करते रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में बैटरी ड्रेनिंग और फोन हीट होने की ज्यादा संभावना होती है। तो आप ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप इसको 100% चार्ज होने के बाद यूज करें, और या फिर आप पूरा 100% आपका जो डिस्चार्ज हो जाए फोन, बैटरी लो हो जाए उसके बाद आप इसको चार्ज करें, तो दोस्तों ऐसे में आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है।